नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। वेटरन एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर ने हाल ही में अपनी सास और भोपाल की बेगम साजिदा सुल्तान से हुई मुलाकात से जुड़ा किस्सा शेयर किया। शर्मिला ने ट्विंकल खन्ना के एक शो में बताया कि जब उनकी होने वाली सास उनसे पहली बार मिलने आ रही थी, तब बॉम्बे में हर तरफ उनके बिकनी पोस्टर लगे हुए थे। ऐसे में सास के डर से शर्मिला ने अपने ड्राइवर से कहकर सारे पोस्टर रातों रात हटवा दिए थे। फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस से पहले शर्मिला टैगोर ने 1966 में फिल्म फेयर मैगजीन के कवर पेज के लिए बिकनी फोटोशूट करवाया था। कुछ समय पहले फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में शर्मिला ने बताया था कि उस बिकनी फोटोशूट के समय उनसे ज़्यादा नवाब मंसूर अली खान परेशान थे। शर्मिला ने कहा था, ये मेरी शादी के ठीक पहले की बात है। मुझे याद है जब मैंने अपनी टू पीस बिकनी की तस्वीर नवाब साहब को दिखाई तो उन्होंने मुझसे कहा, क्या मैं इसे लेकर ठीक हूँ। उन्होंने मुझे कुछ शॉर्ट में खुद को ढककर रखने की सलाह दी थी। शर्मिला ने कहा था कि वो मुझसे ज़्यादा परेशान थे, लेकिन मुझे तो उस शूट में कोई झिझक महसूस नहीं हुई थी। आगे उन्होंने कहा था, जब लोगों ने इस पर बुरी तरह रिएक्ट करना शुरू किया तो मैं शॉक थी। मैं समझ नहीं पाई कि लोगों को वह तस्वीरें क्यों पसंद नहीं आई, कि मुझे तो वो तस्वीरें बहुत पसंद आई थी। मैं यंग थी और मुझे नई चीज़ें करने में बहुत रुचि थी। मैंने खुद ही उस फोटोशूट का सुझाव भी दिया था। 1966 में फिल्म फेयर मैगजीन के कवर पेज के लिए करवाए गए फोटोशूट में शर्मिला टैगोर ने ब्लैक एंड व्हाइट बिकनी पहनकर पोज दिया। ये बिकनी में पोज करने वाली भारत की पहली एक्ट्रेस बनी। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।